बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने देखा है सर, मदर हुसैन आए थे आपको 11th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ाई है, और इसने 11th क्लास की मैथमेटिक्स इसने पढ़ाई है, इसलिए पढ़ाई है कि जैसे स्टूडेंट ने बोला था कि 11th क्लास की पढ़ाएं, वो दोनों क्लास इकट्ठे करेंगे। मैं आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाऊंगा। अभी तक मैंने मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 12th क्लास की पढ़ा रहा हूँ, फिर 11th क्लास की पढ़ाऊंगा सिंपली, जैसे स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। जैसे 2-3 डेमो क्लासेस हैं, जैसे हम सिस्टम भी कुछ सही तरह करें। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री, और इसके दो पार्ट होते हैं, आपको पता है। फर्स्ट पार्ट जो बुक में दिया हुआ होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, दूसरा पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। बुक भी न्यू एडिशन मार्केट्स में जब तक आए सही तरह आए हैं, कुछ आ रहे हैं गूगल्स वगैरह पे, तो हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी पता चलेगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बाद में कर, लेकिन यहाँ पर रिलेटेड दोनों को करेंगे, उसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर थ्यूरीज आई थी, बहुत थ्यूरीज, जैसे कल भी मैंने थ्यूरीज ही पढ़ाई थी फिजिक्स में, यहाँ पर ही थ्यूरीज ही आई थी, ठीक है ना। फर्स्ट थ्यूरी कहते हैं वाइटल फोर्स थ्यूरी, जिसे कहते हैं VFT, क्या VFT, वाइटल फोर्स थ्यूरी। वाइटल वर्ड है, उसकी जो मीनिंग है ना, उसको उसकी मीनिंग ही लाइफ है, मतलब फर्स्ट थ्योरी आई, उसे बोला कि ऑर्गेनिक द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे हम में पौधे हैं, एनिमल्स हैं, सारे उनमें से जो भी कंपाउंड बनते हैं ना, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसे ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे बुक में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे तो, क्योंकि ये थ्योरी आगे गलत हो जाती है, इसलिए ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द नॉन लिविंग थिंग्स कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब कि जो बेजानदार चीज होती है, जो सांस वगैरह नहीं लेती, उनमें से जो भी कंपाउंड बनते हैं उन्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। थ्योरी दूसरी आई तो वोहलर, वोहलर एक साइंटिस्ट था, जर्मनी का था, 1828 इसी ईयर में इसने फॉर्म्ड यूरिया, यूरिया फॉर्म्ड, हमें पता है यूरिया किस में बनता है, लिविंग थिंग्स में, तो यूरिया लिविंग थिंग्स में बनता है। अकॉर्डिंग टू VFT के हिसाब से ये क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए, बिल्कुल ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसने क्या किया, लेबोरेटरी में इसे फॉर्म किया, मतलब कि इनऑर्गेनिक चीज़ों से इसने ऑर्गेनिक चीज़ बनाई, ठीक है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू VFT ये गलत है, ठीक है ना। देखें, फ्रॉम अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड इसका कम फार्मूला है NH4CNO, अमोनियम साइनाइड विच इज इनऑर्गेनिक, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसने क्या किया, वोहलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया और लेबोरेटरी में बनाया, लेकिन यहाँ पर क्या, लिविंग थिंग्स में बनना चाहिए, है लिविंग थिंग, लेकिन इसने क्या किया, मतलब लेबोरेटरी में बनाया। NH4CNO जब रिएक्शन करेगा, H2O बॉयल होगा, H2N सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CNH2, मतलब अमाइनो एसिड और यूरिया बनेगा, ठीक है, यूरिया बनेगा। ये मतलब कि इसने क्या किया, हियर VFT मतलब कि वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्डेड, मतलब खत्म हो गई, वाइटल फोर्स थ्योरी वोहलर ने खत्म कर दी। क्यों, वाइटल फोर्स थ्योरी से बनना चाहिए, लेकिन इसने लेबोरेटरी में बना दिया, तो उसकी थ्योरी के हिसाब से वो गलत साबित हो गई, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं, VFT को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। न्यू एंड मॉडर्न डेफिनेशन आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जैसे डिस्क्रिप्शन होती गई, मतलब साइंटिस्ट आए, हर किसी की अपनी वजूहत थी, अपनी बातें थी, तो एक परफेक्ट मॉडर्न थ्योरी है जो अभी तक चल रही है। क्या कहते हैं, द कंपाउंड्स इन विच कार्बन कोवेलेंटली बॉन्डेड, जैसे बॉन्ड आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह को, ए कंपाउंड इन विच कार्बन कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन, मतलब कार्बन कोवेलेंटली बॉन्डेड क्या हो, किसको ऐसे हाथ हो, हाइड्रोजन के साथ हो, मतलब कि कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हो जो कोवेलेंट बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, ठीक है। जिसका एग्जांपल है ग्लूकोज C6H12O6 और CH4 बीथेन C2H2 इथाइन, मतलब कि ये इसने के एग्जांपल है। सारों के स्ट्रक्चर ड्रास वगैरह आगे करेंगे, जैसे मीथेन में आप सीखे आएंगे मीथेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है और इस तरह से, ठीक है। और इथाइन कैसे होती है, इथाइन की ऐसे स्ट्रक्चर होती है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये इथाइन की स्ट्रक्चर हुई, ये मीथेन की स्ट्रक्चर हुई। स्ट्रक्चर आप पढ़ के आए हैं और आगे मैं भी पढ़ाऊंगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफाइन किया था अभी, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कंपाउंड इन विच कार्बन इज नॉट
ये स्पेसी लिखा हुआ है नॉट नॉट कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन, मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं बनेगा। तो मतलब या कार्बन होगी या हाइड्रोजन होगी, कोई भी हो सकता है, एक होगा, और अगर दो भी हो तो ये कोवेलेंटली बॉन्डेड एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन पड़ा है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। HNO3 यहाँ पर हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, H2SO4 हाइड्रोजन है कार्बन नहीं है, और पोटाश एलम, देखो पोटाश एलम में कार्बन ही नहीं, तो लाजमी है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अभी आप देखें जो अर्थ क्रस्ट है, जो सारी जमीन है उसमें 0.02-0.27% कार्बन है। देखिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा है, उसमें मिलियंस और बिलियंस कंपाउंड बने हुए हैं कार्बन के। देखिए देन मैंने तभी मैंने क्वेश्चन किया देन हाउ कार्बन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड, अगर जमीन में वो 0.027% है तो इस मिलियंस इसके कंपाउंड क्यों बने हैं, कैसे बने हैं। देखो इसका जवाब ये, तो इस कार्बन है ना, उसकी रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर होती हैं, वो एक खुद ब खुद बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसलिए ही उसके इतने मिलियंस कंपाउंड होते हैं। वो सारे मतलब ब्रांच चेन कार्बन वगैरह खुद के साथ बॉन्ड बनाता है, डबल ट्रिपल, वो उसको सारी प्रॉपर्टीज को, उस एबिलिटी को कहते हैं कैटिनेशन, कैटिनेशन पावर। जैसे एबिलिटी ऑफ एलिमेंट फॉर्म बॉन्ड इटसेल्फ, मतलब खुद के साथ जो बॉन्ड बनाए विद इट्स ओन एटम्स, और खुद के एटम के साथ बॉन्ड बनाए, उसे बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन अभी होती दूसरे भी ग्रुप फोर एलिमेंट होते हैं, कार्बन सिलिका जर्मेनियम टिन लीड, ये सारे के सारे ग्रुप फोर एलिमेंट होते हैं, तो उसमें भी कैटिनेशन पावर होती है, कार्बन की भी है, सिलिकॉन की है, जर्मेनियम की है, टिन की है, लीड की है। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर बना हुआ है, बुक में सिर्फ दो के दिए हुए हैं, तब कैटिनेशन पावर जो कार्बन की है ना वो सिलिकॉन से ज़्यादा है। सिलिकॉन बॉन्ड बनाएगा खुद ब खुद सा, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बनाएगा। कैटिनेशन पावर सबसे ज़्यादा किसकी है, कार्बन की है। थैंक यू, ये अब जब हमारा यही लेक्चर था, सब्सक्राइब करें चैनल को, और स्टूडेंट्स की जैसी डिमांड होगी, फर्स्ट ईयर पढ़ाएं या इंटर पढ़ाएं, उस हिसाब के साथ हम रेगुलर क्लासेस लेंगे। सर मज़ार ले रहा है, आपकी इंटर की मैथमेटिक्स का एक लेक्चर हो गया है और मैं फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का एक लेक्चर हो गया है, तो मैं अभी फर्स्ट ईयर की ले रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिए, फिजिक्स स्टार्ट कर दिए, ये कुछ दिन हमारे डेमो क्लासेस हैं, फिर स्टूडेंट जैसे डिमांड करेंगे तो उस हिसाब से हम फर्स्ट ईयर इंटर शायद 9th 10th भी कंटिन्यू कर लें।